वेलकम टू माई YouTube चैनल आज इस क्लास में मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ तो सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे डियर स्टूडेंट स्टार्ट करूंगी मैं आज के सेशन को एंड फर्स्टली आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ माई नेम इज़ निशा मित्तल दिस इज माई प्रोफाइल ऑन एन एकेडमी यू कैन फॉलो मी ओवर देअर ठीक है तो आज का हमारा टॉपिक जो है दैट इज रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इसमें मैं आपको एक स्ट्रक्चर पैडिंग का कंसेप्ट समझाने जा रही हूँ डिटेल में इसके रिगार्डिंग आपको नवंबर 2020 में एन डी ए यू नेट में क्वेश्चन आया था ठीक है तो एक ब्लैंक शीट ले रहे हैं और कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे और साथ में अन अकेडमी के ऊपर मेरा बैच एंड कंप्लीट कोर्स जो है 2022 के लिए लॉन्च हो चुका है आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं बाई टेकिंग अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप किसी भी दिन लेते हैं तो वो अगर वन ईयर की सब्सक्रिप्शन है तो पूरे वन ईयर तक लास्ट करेगी ठीक है पूरे डेज जैसे मान लीजिए आपने आज ट्वेंटी एट्थ नवम्बर को सब्सक्रिप्शन ज्वाइन किया वन मंथ के लिए तो ये सब्सक्रिप्शन आपकी नेक्स्ट मंथ ट्वेंटी एट्थ दिसंबर तक वैलिड रहेगी ठीक है दिस इज़ सिस्टम ऑफ अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन कंप्लीट बैच कोर्स लॉन्च हो चुका है वन ईयर की डिस्काउंटेड फीस जस्ट थर्टीन थाउजेंट है स्टार्ट करेंगे आज के हम टॉपिक uh, के साथ दैट इज़ स्ट्रक्चर पैडिंग इन सी एक ब्लैंक शीट ले रहे हैं मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगी ठीक है ध्यान से सुनिएगा डियर स्टूडेंट सबसे पहले स्ट्रक्चर पैडिंग का कंसेप्ट है क्या ठीक है ये एक्सप्लेन करूँगी मैं स्ट्रक्चर पैडिंग इन सी जब भी हम एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करते हैं दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पैडिंग पैडिंग का मतलब क्या है एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करनी ठीक है एक्स्ट्रा स्पेस एक्स्ट्रा स्पेस हम क्यों ऐड करते हैं टू सेव सी पी यू साइकिल या फिर टू रिड्यूस सी पी यू साइकिल वी एड एक्स्ट्रा स्पेस तो सिंपल सी बात है यहाँ पे स्ट्रक्चर पैडिंग में कंसेप्ट आ जाता है कि मेमोरी किस तरह से एलोकेटेड होती है स्ट्रक्चर को ठीक है ना मेमोरी एलोकेशन का पॉइंट यहाँ पे मेन आ जाता है जैसे मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रक्ट है कुछ भी नेम है ठीक है और इसमें हमारे पास करैक्टर है ए इंट है बी ऐसे ही आ, कोई और डेटा टाइप है हमारे पास कोई भी और करैक्टर ही लगा लीजिए दैट इज़ सी ठीक है तो ये गिवन है तो अब यहाँ पे करैक्टर के लिए वन बाइट कंज्यूम हो रही है इंटीज़र के लिए टू बाइट कंज्यूम हो रही है अगेन करैक्टर के लिए वन बाइट कंज्यूम हो रही है तो इंटीज़र uh, के लिए हम फोर बाइट ठीक है तो एग्ज़ामिनर वॉन्ट्स टू नो अबाउट के सी पी यू साइकिल बताओ ठीक है कितना यहाँ पर यूज़ हो रहा है पैडिंग uh, के कंसेप्ट में तो मोस्टली स्टूडेंट की थिंकिंग होती है मेमरी एलोकेशन करते हैं जब कि पहला वन बाइट का डेटा है फिर फोर बाइट का डाटा है फिर से वन बाइट का डाटा है तो टोटल मैम जो स्पेस ऑक्यूपाई हुई है दैट इज़ सिक्स बाइट एंड दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग क्यों ये गलत क्यों है क्योंकि यहाँ पे आप प्रोसेसर के कंसेप्ट को इंक्लूड ही नहीं किया जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ध्यान से सुनिएगा ठीक है अब यहाँ पे प्रोसेसर का कंसेप्ट क्या है वो देखते हैं हमारा जो प्रोसेसर है वो एक बाइट को रीड नहीं करता ठीक है ना जो प्रोसेसर है वो एक टाइम के ऊपर एक वर्ड को रीड करता है मेमोरी से ना कि बाइट को ठीक है वर्ड को रीड करता है अगर हमारा प्रोसेसर जो है वो थर्टी टू बिट का है तो फिर वो एक टाइम में फोर बाइट लेगा एज़ अ वर्ड ठीक है तो एक टाइम में वो फोर बाइट को रीड करेगा अगर आपका प्रोसेसर सिक्सटी टू सिक्सटी फोर बिट का है तो वो एक टाइम में एट बाइट को रीड करेगा क्लियर वन सीपीयू साइकिल में एट बाइट्स को रीड करेगा ठीक है तो जब भी हम ये स्ट्रक्चर यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पे सेल पैडिंग का कंसेप्ट या फिर कह लीजिए स्ट्रक्चर पैडिंग का कंसेप्ट यूज़ होता है मैं इसको डिटेल में समझाऊँगी तो सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनते रहेंगे ठीक है कि क्या इसकी डिटेल है हाँ जी तो नेक्स्ट uh, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल पहले भी ली थी तो वी कैन टेक दैट सेम एग्जाम्पल हेयर ऑल्सो लाइक स्ट्रक्ट है स्ट्रक्ट का कुछ भी नेम है क्लास फिर इसमें कुछ ना कुछ हमारे पास डेटा uh, टाइप्स है जैसे कि करेक्टर है एक और करेक्टर एक इंटीजर है ठीक है वन मोर इंटीजर इस तरह से डी ठीक है और इसका कोई ऑब्जेक्ट है इसको कॉल करने के लिए ओ बी जे तो एग्जामिनर कैन आस्क यू के बताओ यहाँ पे कितना आ, कितना मेमोरी साइज है ये वन बाइट दिस इज वन बाइट इसके लिए फोर बाइट इसके लिए फोर बाइट लगेंगी ठीक है तो वी हैव टू काउंट मेमोरी एलोकेट करनी है हमें तो डियर स्टूडेंट आप सबसे पहले करेक्टर को वन बाइट एलोकेट कर देंगे ए को फिर आप बी को भी वन बाइट एलोकेट कर देंगे मान लीजिए ये आपका जो प्रोसेसर है दैट इज़ ऑफ थर्टी टू बिट मतलब ये एक वक्त में सिर्फ चार बाइट को ही रीड करता है तो डियर स्टूडेंट आपके पास अगर इसके बाद तुरंत आप सी को एलोकेट कर रहे हो लाइक हेयर ठीक है सी फोर बाइट ठीक है सी के लिए वी आर यूजिंग हेयर फोर बाइट तो यहाँ पे क्या होगा वन सी पी यू साइकिल आपका कंप्लीट कहाँ पे हो जाएगा वन टू थ्री एंड फोर यहाँ पे आपका वन सी पी यू साइकिल कंप्लीट हो जाएगा इतने में सेकेंड यू सी पी यू साइकिल आपका कहाँ से शुरुआत होगी फाइव सिक्स सेवन या फिर एट ये आपका सी पी यू साइकिल सेकेंड होगा तो जब भी प्रोसेसर यहाँ पे वर्ड को रीड करेगा सी पी यू साइकिल वन में करैक्टर दूसरा करेक्टर रीड हो जाएगा और फर्स्ट सी पी यू साइकिल में इंटीज़र हाफ रीड होगा हाफ दूसरे साइकिल में रीड होगा ठीक है तो इसमें हो क्या रहा है टू सी पी यू साइकल्स आर इन्वॉल्व्ड इन रीडिंग ऑफ इंट सी इंटीज़र सी में दो सी पी यू साइकिल इन्वॉल्व हैं प्रॉब्लम क्या है जब हम करेक्टर को रीड नहीं करना चाहते प्रोसेसर ने सिर्फ इंट को रीड करना है तो वो हाफ़ एक साइकिल में हाफ़ दूसरे साइकिल में रीड होगा तो इट्स बेटर कि उसको एक ही जगह पे कंटेन किया जाए तो फिर इसी कारण यहाँ पे पैडिंग का कंसेप्ट यूज़ किया जाता है सबसे पहले वन बाइट ए के लिए बी के लिए वन मोर बाइट ठीक है ना ये एक बाइट बी के लिए दूसरी वाइट होगी ठीक है नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ये होगी यहाँ पे स्पेस एक्स्ट्रा फ्री छोड़ी जाएगी सो so दैट जो इंटीजर सी है वो पूरा का पूरा एक ही बार में रीड हो जाए ठीक है अप टू एट राइट ठीक है तो सी यहाँ पे रीड होगा फिर से उसके बाद क्या है डी आ जाएगा तो ये हमने ऐसा क्यों किया क्योंकि यहाँ पे हमारा जो प्रोसेसर है वो थर्टी टू बिट का है मतलब थर्टी टू बिट मीन्स टू से इक्वल टू फोर बाइट ठीक है ना तो एक बार में वो फोर बाइट को रीड कर रहा है ड्यू टू दैट कंसेप्ट वी हैव यूज्ड दिस टेक्निक हमने यहाँ पे पैडिंग का कंसेप्ट यूज़ किया है राइट right? ठीक है तो मेन यहाँ पे हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि अगर करैक्टर है ये मोस्टली वो पेपर में आपको लिख भी देता है उसके लिए कितनी बाइट यूज़ हुई हैं शॉर्ट के लिए कितनी है इंट के लिए कितनी है फ्लोट के लिए कितनी है डबल एंड पॉइंटर के लिए क्या है अगर सिक्सटी फोर बिट का है तो वहाँ पे भी आपको वो साइज़ मेंशन कर सकता है डिफरेंस किसका है सिर्फ पॉइंटर का सिक्सटी फोर में पॉइंटर का साइज जो है वो डबल है एट है ठीक है ये डिफरेंस है दूसरी बात समझ लो पेपर में ज़रूरी नहीं है वो आपको लिखे कि थर्टी टू बिट का प्रोसेसर है जो सिक्सटी फोर बिट का है अगर थर्टी टू बिट का है इसका मतलब है फोर बाइट अगर सिक्सटी फोर बिट का है इसका मतलब है एट बाइट ठीक है तो हम कैसे समझेंगे कि हमें फोर बाइट के थ्रू करना है या फिर एट बाइट के थ्रू वो हम जो लार्जेस्ट वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी उसी के हिसाब से करेंगे जो भी लार्जेस्ट वैल्यू एग्जामिनर आपको देगा मान लीजिए किसी का साइज़ उसने एट मेंशन कर दिया डबल आपको एक डेटा टाइप दे दी और उसका साइज ऑब्वियस है एट है तो उस वक्त हम सिक्सटी फोर बिट का प्रोसेसर मान के चलेंगे ठीक है ना तो वन साइकिल में एट बाइट के डेटे को मान कर चलेंगे उसी के अकॉर्डिंग आप पैडिंग करेंगे जैसे हमें यू जी सी नेट में भी इसका क्वेश्चन आया हुआ है ये जो मैं ऑलरेडी इसका सल्यूशन भी करवा चुकी हूँ क्योंकि इसमें एक डेटा टाइप है आठ बाइट की ठीक है डबल तो उस इसी के कारण हमने इसका वन साइकिल में मान दिया कि एट बाइट है दिस इज़ शॉर्ट टू बाइट है करेक्टर वन बाइट है एंड शॉर्ट टू करेक्टर वन डबल के लिए एट बाइट एंड फिर इंटीजर के लिए है यहां पे four byte. ठीक है ये है पे ठीक ये चेक कीजिएगा ध्यान से हम मान क्या रहे हैं कि ये एट बाइट का हमारा सीपीयू साइकिल है क्यों इन्होंने कोई हिंट दिया नहीं है हमें हम क्यों मान रहे हैं रीज़न सिंपल इतना है कि इसमें जो हाईएस्ट फील्ड है हमने वो देख लिया एट है तो हम ऐट मान रहे हैं ठीक है तो वो स्पेस पूछ रहा है कितनी कंज्यूम होगी एस के लिए सबसे पहले दो फिर उसके बाद है सी सी के लिए है एक फिर टी है उसके लिए भी दो है फिर डी है उसके लिए एक है हमारा टोटल जो है मेमरी वो होती है एट बाइट की दैट इज़ एट बाइट ये कितनी हो चुकी दो एक तीन पाँच एक छः छः हो चुकी ना तो ये इतना छ बाइट यूज़ हुई है इसके बाद की जो डेटा टाइप है दैट इज़ एट और हम री ऑर्डरिंग कर नहीं सकते किसी की भी री ऑर्डरिंग नहीं कर सकते तो यहाँ पे दो बाइट हमें पैडिंग की ऐड करनी पड़ेंगी सो so दैट ये एट बाइट बन जाए इसके बाद सीधी की सीधी आठ बाइट नेक्स्ट किसके लिए आ जाएंगी डबल के लिए और आर है उसकी वैल्यू फिर उसके बाद आई के लिए चार आ जाएंगी ये चार एंड चार यहाँ पे क्या हो जाएंगी दैट इज़ फॉर पैडिंग एंड ये क्या हो चुका एट दिस इज़ अगेन एट तो इसी के कारण इसका साइज हुआ चौबीस बाइट पर ऐसा ही डेटा कितने बार आ रहा है यहाँ पे एरे है टेन एलिमेंट्स मल्टीप्लाई बाय टेन तो टू फोर्टी बाइट इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ड्यू टू पैडिंग कंसेप्ट ड्यू टू दिस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे पैडिंग यूज हुई है यहाँ पे यूज हुई है दो बाइट की यहाँ पे यूज हुई है इस क्वेश्चन में इन्होंने मैंशन किया हुआ था कि आप इसको कोई भी रीऑर्डर नहीं करेंगे किसी फील्ड को आगे पीछे नहीं लिखेंगे ठीक है ना तो ये आंसर आ गया तो दिस इज़ कॉल्ड दी कंसेप्ट ऑफ पैडिंग आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड दिस बेटर एंड सभी कंसेप्ट को अपने पास नोट डाउन कर लीजिए जो भी मैं टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ठीक है तो डियर स्टूडेंट्स इस सेशन में इतना ही जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूँगी थैंक्स अलाट